शायद आपको ये बात इल्म हो कि कायदे आजम इस हद तक तैयार थे मशरिकी बंगाल की आज़ादी और खुद मुख्तारी को समझने के लिए कि मई के महीने में 1947 यानी कि आज़ादी से सिर्फ 3 महीने पहले जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने तजवीज़ पेश की कि पूरे बंगाल को एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासत बना दें, पाकिस्तान का हिस्सा मत बनाएं, हम एक आज़ाद रियासत बनना चाहते हैं बंगाल के नाम से, तो कायदे आज़म ने उसकी हिमायत की और कहा कि बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बरतानवी हुकूमत ने उसकी मुखालिफत की।